यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं, चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की जा रही है सीएम मनोहर लाल खट्टर की ओर से। विदेश दौरे पर जाने से पहले सीएम मनोहर लाल खट्टर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इसमें कोई एक पहल करके हमने अपने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि वो पहल करके एक मीटिंग बुलाएं, क्योंकि टेरिटरी उनके क्षेत्र में पड़ती है, इसलिए संबंधित स्टेट्स की एक मीटिंग बुला करके और बीबीएमबी के माध्यम से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा करके इस पर काम चालू करवाएं, ताकि हम उस पानी का उपयोग जितना हरियाणा को मिलना हरियाणा को मिलेगा, जितना पंजाब को मिलना पंजाब को मिलेगा और स्टेट्स को जो हिस्सा बनेगा वो मिलेगा, लेकिन कम से कम अपने यहाँ की जो पानी की आवश्यकता उसको हम पूर्ति कर सकें। जो हमारा पानी का लेवल डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है, उस पानी के लेवल को हम मेंटेन करके या उसको ऊंचा करके और अपने यहाँ की पानी की जो कमी है उसको ठीक कर सकें। एक ये विषय आपको जानकारी के लिए मुझे बताना था। अभी आज ही मैं साइकिल 4:30 बजे की फ्लाइट से इजराइल के लिए रवाना हो रहा हूं। दो देशों का मेरा ये टूर है, इजराइल का और यूके का। तो इजराइल में मेरा पहली बार जाना हो रहा है और मुख्य रूप से वहां के जो डिप्लोमेट्स जो यहां आते रहे हैं, क्योंकि पहले से हमारा भारत का और इजराइल का एक कुल मिलाकर चल रहा है हमारा एक एक्शन प्लान जो 2008 में शुरू किया था। उस 2008 के प्लान में 10 साल तक वो लागू किया गया था, लेकिन 10 साल समाप्त होने पर ये ध्यान में आया कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारा बहुत अच्छी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो उस एक्शन प्लान को हमने 3 साल के लिए और बढ़ा दिया है, 2020 तक कर दिया है। तो अभी तक जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में, चाहे वो बागवानी है, चाहे वो सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन है, अथवा खेती के विभिन्न प्रकार के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, डेयरी है, पशुपालन है, मधुमक्खी है, इन सब के ऊपर हम काम कर रहे हैं। नई नई तकनीक विकसित होती रहती है, उस नई तकनीक को एक प्रकार से साझेदार हम उसके साथ बने और उसमें और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, मुख्य रूप से तो ये है। साथ ही अन्य जो क्षेत्र है उसमें वेस्ट वाटर की सिंचाई में प्रयोग, नमकीन पानी का उसको कैसे सिंचाई के लिए अच्छा बना करके फिर प्रयोग किया जा सकता है, या पीने के पानी की, क्योंकि इसमें भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, तो इसके ऊपर भी हम जाकर के उनके साथ बातचीत करने वाले हैं। रक्षा, एरोस्पेस, आंतरिक सुरक्षा, क्योंकि उनका आंतरिक सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर की जो एक प्रकार की महारत उनको हासिल है, तो एक सिक्योरिटी होमलैंड सिक्योरिटी के नाते से उनकी उसमें तज्ञता है। वहां भी हमारे कुछ होम डिपार्टमेंट के पुलिस के अधिकारी साथ जा रहे हैं, उसका अध्ययन करेंगे और उसमें हम कैसे उनसे विचार विमर्श करके और इसमें कोई ना कोई एक पहल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार वहां एक एग्रीटेक उनका जो मेला है, सेमिनार है, जो 8 मई को वहां होने वाला है, वास्तव में उसी के लिए जो उनके राजदूत हैं डेनियल कार्मन जो आए थे, उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया था, उस निमंत्रण को स्वीकार करके मैं इसी समय का लाभ इसमें उठा रहा हूं। तो जो ये एग्रीटेक उनका जो सेमिनार है इजराइल का, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक इस प्रकार का कार्यक्रम होता है। 19वां जो इनका कार्यक्रम हुआ था वो 2015 में हुआ था, उसके बाद अब 2018 में हो रहा है, तो इसमें विदेशों के बहुत से लोग आते हैं। पिछली बार 8100 विदेशी पर्यटक जो वहां गए थे और उसमें से 196 इजरायली प्रदर्शक भी थे, 57 विदेशी प्रदर्शक थे, तो ऐसे कुल मिलाकर के इतना बड़ा ये मेला ये होता है, तो उसके अंदर मैं उसमें भी मुझे जाने का मौका मिलेगा, तो बहुत सी चीजें वहां से जो ठीक होंगी प्रदेश के हित में वहां से लाने वाले हैं। दूसरा जो दौरा है मेरा वो उसके साथ दूसरा देश है यूके। यूके भी हम जानते हैं कि हमारा यूके का बहुत पुराना एक संबंध है, तो वहां भी मेरा पहली बार जाना हो रहा है। अभी हाल में जो भारत का उच्चायोग है उसने ब्रिटेन में एक्सेस इंडिया नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, तो उस कार्यक्रम का भी लाभ उठाते हुए वहां के लोग भारत के साथ, भारत के लोग वहां के साथ से अपने संबंध बनाए, तो इसमें हम लोग जा रहे हैं। बहुत से हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां निवेश इन इन्वेस्टमेंट वहां से हमको आने की संभावना मिल सकती है, चाहे वो गुरुग्राम मानेसर बावल के बीच जो MRTS है, या हमारा जो नारनौल में लॉजिस्टिक हब है जिसको हमने जमीन उसकी ले ली है, तो उसपे भी हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए।